हेलो एंड वेलकम टू हैटी कर्नर्स। हैटी कर्नर्स के आर्ट एंड क्राफ्ट कर्नर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक इजी सा सिंपल सा नेपकिन आज हम बनाएंगे, पर इस तरह के छोटे छोटे डिजाइंस आप पिलो कवर में या फिर टेबल कवर के किनारे पर बना सकते हैं, या फिर कर्चिप बना रहे हैं तो उसके साइड में भी इस तरह के छोटे छोटे डिजाइंस बनाएं, बहुत सुंदर दिखता है। आइए देखें हम किस तरह से खुद ड्रॉ एंड डिजाइन करके सुंदर सुंदर से फैब्रिक पेंटिंग बना सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लेन पेपर पर एक बड़ा और एक छोटा डिजाइन बनाऊंगी। जो भी डिजाइन आप बनाएं पहले हल्के हाथों से बनाएं। एक सिंपल सा HB पेंसिल लेकर आप किसी भी तरह का फ्लावर और लीफ पेंटिंग बना सकते हैं। कोई भी सिंपल डिजाइन आप चूज कर सकते हैं, या तो मन से कोई भी डिजाइन बनाएं या फिर किसी डिजाइन को देखकर भी आप इस तरह से बना सकते हैं। हम जब भी इस तरह के नैपकिन्स बनाते हैं तो जो भी एक डिजाइन हम बनाते हैं उसी का ही स्मॉल वर्सन, यानी यहाँ पर बड़े पत्तियों के साथ, बड़े फूलों के साथ अगर कुछ बूटे हम बनाते हैं तो उसी तरह का डिजाइन ही हम छोटे छोटे फूलों के साथ बनाकर सजाते हैं। वैसे तो आप कोई भी डिजाइन ले सकते हैं और ज़्यादातर नैपकिन्स में सेंटर का पार्ट खाली रख के साइड में ही डिजाइन बनता है, तो उसी तरह से हम एक सुंदर सुंदर डिजाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसी डिजाइन को हम ट्रेस करके कपड़े पर ले लेंगे और पेंटिंग कर लेंगे। चलिए झटपट इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा एक छोटा डिजाइन करते हुए आप नैपकिन के लिए डिजाइन बना लें। जो क्लॉथ आप लेंगे उसे अच्छे से धो के सुखा के आयरन करके ले लें। ट्रेसिंग पेपर और कार्बन पेपर आपको चाहिए, और एक जो लीड खत्म हो चुका है वैसा डॉट पेन आप ले लें, उससे अच्छे से आप ट्रेस कर पाएंगे। और हम इधर तिरछा करके रख रहे हैं, आप चाहें तो किसी भी तरह से अपना डिजाइन रख सकते हैं और उसे अच्छे से ट्रेस कर लेते हैं। देखिए मैंने इस तरह से ट्रेस किया है, आप चाहे तो पूरा बॉर्डर भी बना सकते हैं इसी डिजाइन से। अब दूसरी तरफ छोटा सा डिजाइन हम बनाएंगे, उसे भी ट्रेस कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने एक बड़ा और एक छोटा डिजाइन ट्रेस कर लिया, और बीच का पोर्शन मैंने खुला रखा है क्योंकि मैं इसे नैपकिन की तरह यूज करूंगी, और साइड्स को छोड़ते हुए ही हमें ट्रेसिंग करना है ताकि हमारा फ्रेम लगाना इजी हो जाए। फ्रेम को पकड़ने के लिए भी थोड़ा कपड़ा चाहिए,
उस हिसाब से आपको सेट करके ड्रेसिंग कर लेना है। मैं मीडियम वन को कलर के साथ मिक्स करके यूज करूंगी और आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड ब्रश नंबर 1 और 2 ले लूंगी। आप प्लेट या पैलेट ले लें और पानी ले लें ब्रशेस को धोने के लिए। अब कपड़े को अच्छे से बिछा कर रखेंगे। नीचे कोई भी एक कपड़ा, पुराना कपड़ा या फिर इस तरह से आप पॉलीथिन बिछा दें ताकि टेबल या फ्लोर खराब ना हो। जो भी कलर आप लेंगे उसमें आपको थोड़ा सा मीडियम मिक्स करना है। मैंने यहाँ पर मीडियम 1 को कलर के साथ मिक्स करके यूज़ किया है और ये डायरेक्ट शेडिंग है। मैं सीधा कलर को डिजाइन के ऊपर लगाऊंगी और फिर वहीं पर ही शेडिंग करूंगी। आप कोई भी अपना मनपसंद का कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल डायरेक्ट कलर लेमन येलो एंड रेड का यूज करूंगी। जो भी कलर या ब्रशेस मैंने यूज किया है उन सब का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप प्लीज उसे चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले जो लाइट कलर है उसको हमें लगाना है। जो फ्लावर और बर्ड्स हमने बनाया है उसको पहले सेट कर लेंगे। इस तरह से लेमन येलो कलर को लगाने के बाद हमें ब्रश को धोना है, फिर डार्क कलर को मीडियम के साथ मिक्स करके थोड़ा सा लिक्विड जैसा बना के फिर हम सेट करेंगे। इस तरह से शेडिंग मैंने पहले भी बताया है, बहुत बार बताया है और डिटेल में बताया है। आप चाहे तो सारे शेडिंग्स प्लेलिस्ट में जाके सीख सकते हैं। कुछ इस तरह से हम किनारे पर डार्क कलर को पहले लगाएंगे और धीरे धीरे उसे येलो कलर के ऊपर लाएंगे और फिर ब्रश को धो के दोनों कलर को हम मर्ज करेंगे। इस तरह से हम अपने सारे फ्लावर्स और बर्ड्स को सेट कर लेंगे। और हाँ, शेडिंग के बाद इसे हम 1 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद ही उसके ऊपर दूसरे काम करेंगे। तो जब तक हमारे फ्लावर्स सूखते हैं हम ग्रीन एंड लेमन येलो कलर को मिक्स करके लाइट ग्रीन कलर बनाएंगे और पत्तों में भरेंगे। और जितने भी पत्ते हैं उन पर हम डायरेक्ट ग्रीन कलर को, मैं यहाँ पर साफ ग्रीन कलर ले रही हूँ, तो ग्रीन कलर से हम बॉर्डर बना लेंगे। अगर आपको ब्रश नंबर 1 में दिक्कत हो तो आप 0 या 00 नंबर का ब्रश लेकर इस तरह से लाइंस बना सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारा लिप सारा
पेंटिंग हो गया, सारे लीव्स हमने बना लिए। अब फ्लावर का शेडिंग ड्राई होने के बाद हम ब्लैक कलर से इस तरह से डॉट्स बना लेंगे। जब कलर या फिर शेड आपने जो किया है वो गीला हो, उसके ऊपर दूसरे कलर मत डालिएगा, वरना कलर मर्ज हो जाएंगे और आपके फ्लावर्स खराब हो सकते हैं। अब जो पेटल्स हैं उनके सारे लाइंस पर ब्लैक कलर कर देंगे। फ्लावर्स और पेटल्स और जो बर्ड्स हैं उन पर हमें ब्लैक कलर के आउटलाइंस बनाने हैं। आप अगर चाहें तो डायरेक्ट रेड कलर को यूज करके इस तरह से आउटलाइन बना सकते हैं, जो भी आपको सही लगे आप बनाएं। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर ले रही हूँ। कुछ इस तरह से सुंदर सा सजा हुआ हमारा फ्लावर डिजाइन तैयार हो जाएगा। अब इसे एटलीस्ट 1 आवर फ्रेम लगा रहने देंगे, उसके बाद ही हम फ्रेम खोलेंगे और दूसरा जो हमारा छोटा डिजाइन है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। इसमें भी हम सेम कलर का ही यूज करेंगे ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। तो छोटा फ्लावर भी हमारा रेडी हो गया। अब इसे भी फ्रेम लगा रहने देंगे 1 आवर के लिए, और उसके बाद जब ये ऊपर से सूख जाएगा तो इसे हम फ्रेम खोल के 1 दिन के लिए अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ देंगे। 24 आवर्स आप इसे ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद हमें इसे आयरन करना होगा। तो इसे हम जब भी आयरन करेंगे इस तरह से उल्टा ही आयरन करेंगे। पहली बार आयरन करने पर सारे क्रीचेस निकल जाएंगे और कपड़े के ऊपर आपका डिजाइन परमानेंट हो जाएगा। अब जब भी इसे आप यूज करके धोना चाहेंगे 7 डेज के बाद या फिर 1 वीक के बाद ही धो सकते हैं, उससे पहले नहीं। इसे सूखने के लिए, कपड़े पर परमानेंटली स्टिक होने के लिए आपको 7 दिन चाहिए। तो अगर आपको मेरे पेंटिंग्स पसंद आते हैं तो फिर प्लीज़ हार्टी कर्नर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।